कटान पीड़ितों को हक दिलाने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन। बहराइच में आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे कांग्रेसियों की मांग है कि जो लगातार कटान हो रही है, घाघरा की लहरों में दर्जनों मकान गिर चुके हैं और लगातार अभी तक कट रहे हैं, उसके बावजूद भी किनारे पर बसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा और न ही उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। इस संबंध में बहराइच के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा का कहना है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू बाढ़ पीड़ित और कटान पीड़ितों को पीड़िता को जानने के लिए बहराइच के महसी क्षेत्र में गए थे। आज सबसे पहले तो हम मीडिया कर्मियों को और आप लोग हमारा बाइक ले रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों का जो है मैं बड़ा सहयोग रहा है और अध्यक्ष बनने पर मैं अपनी तरफ से आपको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ आप हमारी लड़ाई में सहयोग करेंगे। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी बहराइच आए थे। बांध की कटान जो हो रही है, लोगों का घर जो बह गया है, उसकी दर्द दुर्दशा को जानने के लिए, उनके पीड़ा को जानने के लिए कल महसी क्षेत्र में गए थे। तो उन्होंने टिकरी गांव और कायमपुर और गांव एक रेती करके है, कौन सा 1100 रेती है वहाँ कैसरगंज विधानसभा में है, तो तमाम गांव का निरीक्षण किया, देखा 100-100, 200-200 गांव सब कट गए, बेचारे लोग अपना घर स्वयं तोड़ रहे हैं अपना मकान। तो अब जो अपना मकान बना के तोड़ रहा हो उसकी पीड़ा समझना और बहुत ही आर्थिक संकट, जब थोड़े अर्थ के द्वारा वो थोड़ा कमा करके और घर बनवाया हो, करोड़पति तोड़े तो कोई बात नहीं, शौक हो जाता है, लेकिन मजदूरी में जिसके पास एक कमरा बनवाने के लिए जगह रहा हो, तोड़ रहा हो, तो वो पीड़ा देखते हुए उन्होंने कहा कि आप हमें ज्ञापन दिया जाए, उसी माध्यम से आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे और अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अगर कोई मदद नहीं दी गई, तो इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ेंगे और कोशिश करेंगे उसका कोई परमानेंट सलूशन निकले। यहाँ से लेके आवाज़ जो हमारा अपना कर्तव्य है वो मैं अपना करूँ। मांग किया आपकी, किस तरह की मदद चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसका, हर साल हम लोग देखते हैं कि कटान होता है, हर साल बैग आता है, हर साल डाला जाता है, तो ये सैकड़ों बीघे जमीन जाती है, इसका कुछ परमानेंट सलूशन होना चाहिए। मांग पूरे नहीं हुए तो इस लड़ाई को जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक लड़ी जाएगी और उसका सलूशन हम अपने जीवन में निकलवा के तभी मरेंगे। धन्यवाद।